तेणु देश में नुआ शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ना रे देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिला मानंकु अमृत काल रे नुआ कि तांकर व्यक्तित्व हो एपाई दृष्टि रखिछन्ते। सेई परिप्रेक्षी रे पिला मानंक भितरे दक्षता बढ़ू, पिला मानंक भितरे वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ू, पिला माने 21वीं सदीर एकविंश शताब्दीर आवश्यकता को देखिकी विश्वर आवश्यकता को देखिकी निजक प्रस्तुत करंतु, एटा उद्देश्य। विकास स्कूल से दृष्टि बहुत काम करुच्छे, विगत 20 वर्ष धरिकी अनेक भल काम एठी करि आसीछि। मु तांकु धन्यवाद दौछि। विगत 2 दशक रे केवल बरगढ़ नुहे, धीरे धीरे सी आमर राज्यर अन्य जिला गुड़ी को राज्यर राजधानी रे ओडिशा राज्य गुड़ी को भी जीवा आरंभ कलेणी। या द्वारा अनेक गुणात्मक शिक्षा पिला मिल पारुची, विकास तार परिचय को बजाय रखिकी केवल प्राइवेट स्कूल नुहे निज खर्च रे सामाजिक उत्तरदायित्व तो पूरा करने भी से गोटे कॉलेज रो स्कूल रो भी परिकल्पना करिसेंति। समाज रे संपन्न लोक माने जेते बेले समाज रो निष्पेषित लोक मानकर वंचित वर्गर दायित्व नबा उचित, एटा केवल कहिले हबो नै, विकास ताकू करके देखेबर तक अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद। और बहुत हाँ आमर विद्यालय गुड़िक तो मनीष तैयारी कारखाना शांति निकेतन को देखु कि बकुल वन विद्यालय को देखु भारतीय कि गुरुकूल परंपरा को जातु एगुड़िक आधुनिक समय गुरुकूल ये जो भाया भाव आम उच्चकोटीर नृत्य गीत योगासन यू देखिले ये पिलार संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करवा आज आवश्यकता अच्छी। विकास से दिगरे भलो काम करछ। स्टूडेंट ऑफ विकास साई एंड आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ विकास साई हियर अलोंग विद द स्टडीज द ऑल द कल्चरल प्रोग्राम एंड द स्पोर्ट्स प्रोग्राम अलोंग विद द स्टडीज इट इज देयर एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विकास में रहते हुए। इधर से धर्मेंद्र प्रधान आए थे, हमको बहुत खुश लगा। उससे पहले गणेशी लाल भी आए थे जो कि गवर्नर हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। और यहाँ विकास में योगा, जिम्नास्टिक और बहुत प्राइजेस जिससे हम इंटरनेशनल लेवल तक जाने की आशंका रखते हैं। एंड मतलब बहुत भल लगुचि कि विकास रहीबार छुआ दिन में पढ़ुची एवं बहुत एक्साइट अच्छे विकास रे। एबे प्रोग्राम सरला, संध्यारे भी प्रोग्राम अच्छी एंड दैट वुड बी वेरी वंडरफुल फॉर द कल्चरल प्रोग्राम एंड आई वुड बी एक्साइटेड अ लॉट। जी आज हमारा 21st एनुअल डे सेलिब्रेशन है कृष्णा विकास बरगढ़ का, और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना प्रेजेंस अपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करेगा। आप देख पा रहे थे कि किस उत्साह से वो अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज कर रहे थे, उनको रियलिटी के बारे में बता रहे थे, ना कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए उनको बता रहे थे कि आप योगा करिएगा, स्पोर्ट्स करिएगा, लोकल फ्रीडम फाइटर्स को प्रमोट कर रहे थे। तो लोग अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी उत्साह देखने को आपको मिला था, और हम काफ़ी थैंकफुल हैं सर अपना 1 घंटे टाइम दिए और अपना 21st एनुअल सेलिब्रेशन में ग्रेस किए इवेंट में। विकास का 21 साल का इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जी 21 ईयर्स पहले कुछ प्लान नहीं था, बस एक सोशो इकोनॉमिक नीड, जैसे कि चेयरमैन जी ने कहा था, एक सोशो नीड के हिसाब से शुरू किया था। वो पेरेंट्स का, वेलविशर्स का डिमांड के ऊपर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट लगा हम वहाँ वहाँ एक्सपेंड करते गए, और अभी हमारा एक फाउंडेशन बन गया है, एक टीम सेट हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है भारत में, मैंने जितना देखा है काफ़ी यूनिक है, तो हम इसको राज्य भर में, काफ़ी छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा में, हर जगह हम अपना कल्चर को, अपने उड़ीसा का, वेस्टर्न उड़ीसा का जो कल्चर हम हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ एक्सपेंड करना चाहते हैं अभी से। सर एक है कि हम हर चीज़ सोशो इकोनॉमिक नीड के हिसाब से देखते हैं, कुछ भी एक बिज़नेस के हिसाब से नहीं देखते। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जहाँ आप देखिए ये जो ग्राउंड है, 7 टर्फ विकेट है, आप ये लेवल ऑफ़ स्कूल, ये लेवल ऑफ़ फ़ीस में, आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मतलब इस कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही है हमारा राज कि जो स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है, लोकेलिटी का रिक्वायरमेंट है हर जगह, जैसे आज भी बरगढ़ में रिक्वायरमेंट है, आप देखिए क्रिकेट का जो भी हो यहाँ आयोजित होता है। तो यही है कि हम जहाँ जो बेस्ट कर पाए हम अपना बेस्ट करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू।